ये कसम से ऐसा लग रहा है ना जैसे टेबल पर का फटा हुआ कपड़ा हुआ था और मुझे बताया हेलमेट में था, मुझे इतनी जोर की लगी थी सर पे के चक्कर में मत पड़, कटवट जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा तेरा सब। हनी मनी हनी नहीं हाँ को टक्का जोरे बल्ज चाय पीना है? नहीं पीना है, पियोगे? एक बार राइफल आया था गंदे डिप्रेशन में। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। आज मैं जल्दी उठ गई थोड़ा और जल्दी सो भी गई थी क्योंकि सोचा से शेड्यूल सही करूं अपना थोड़ा सा। और सो आज के दिन कुछ अच्छी शुरुआत करते क्योंकि जल्दी उठ गए हैं। सुबह सुबह उठ के शक्ल कितनी भयानक लगती है। उस बेचारे की तबीयत खराब है तो रात भर सोया ही नहीं है, इसे मैं बना लेती हूँ। मेरे को ना ये टाइम याद आ गया जब राइफल था, तभी मैं इतनी सुबह उठती थी क्योंकि उसको टहलाना होता था सुबह सुबह, क्योंकि दिन के टाइम उसको ले जा नहीं सकते थे, लोग रहते थे, आतंकी था ही वो। तो मुझे याद आ गया। बन लेंगे 6 चाय पत्ती और चीनी। चाय बन गई मेरी फैमिली, चलो चाय पी लो। अरे टॉबी कहाँ चल दी अपने गधैया बैठ के, कहाँ तल दी? मैं नहीं खोल रही तुझे। गिव मी वन सिंपल रीजन टू फ्री यू। गुड मॉर्निंग ब्यूटी। पैर पड़ रहा है, फैमिली उठा है इसको खोलने के लिए, लेकिन इस इतिहास में लिखा हुआ है कि इनके पूरे पुश्त ने बाऊजी की गार्डन ख़राब करी है। चाहे ये हो ब्राउनी हो राइफल हो कोई हो, इनकी पूरी पुश्त बाऊजी की गार्डन ख़राब करते हुए आई है और ये अपने पुश्त की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हाँ यस भी बोल रहा है फैमिली। बेशरम कहीं का। आए, क्या ही सुबह हुई है फैमिली। वो बेचारे बता रहे हैं कि उनको बहुत कष्ट हुआ है रात भर, जुकाम से त्रस्त हैं तो सोए नहीं हैं। एक औलाद 12 ही बजे सो गई थी, 5 बजे उठी है और एक औलाद सोई नहीं मेरे पिताजी की। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे भैया राइफल को लेके जाती थी, हाँ तो वो मतलब तुम्हारी तरह चंट थे, मतलब तुम तो कम चंट हो, वो बहुत ज़्यादा चंट थे। तो वो ना ऐसे गेट जैसे ही खुलता था वो ये चेन लेकर ही भाग लेते थे, मतलब भाग लेते थे वो चेन लेकर, उधर तक भागते थे इधर तक भागते थे, उनको पकड़ के लाना पड़ता था। वाओ गाइस लुक एट द स्काई, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, आई विश आई कुड लिव अप देयर। ताज़े ताज़े फूल देख लो फैमिली, सुबह सुबह 5 बजे आप लोग तो उठते हो गए नहीं। 5x पे दिखाऊँ? वाओ सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। 3x पे दिखाऊँ? वो देखो बादल। अब फोन आ गया फैमिली तो फ्लेक्स तो करूंगी, वो लोग आसमान। लुक एट द स्काई, मे बी इट्स पिंक और पर्पल और समथिंग, बट इट्स रियली ब्यूटिफुल। कौन है वहाँ? काली कुत्ती। जब मैं तेरे को इतने टाइम से कह रही हूँ कि तेरी बर्बादी की वजह बने गई, तू समझ क्यों नहीं आता यार तुझे? मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ भाई, अपने लड़का लड़की के चक्कर में मत पड़, कटवट जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा तेरा, समझ आया? छोड़ वोड़ के चली जाएगी ना, डिप्रेशन उप्रेशन में आ जाएगा, फिर मैं नहीं संभालने वाली तुझे। एक बार राइफल आया था गंदे डिप्रेशन में, इस साइड से तो मैंने देखा ही नहीं था, अब देखो मेरी नज़रों से देखो, आज आसमान कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखा सनराइज सुबह सुबह का, सूरज मामा उग गए। मैंने इसको बांध दिया था यहाँ पे सिर्फ वो हाइपर लैप्स लेने के लिए, बट वो हाइपर लैप्स सही से बना नहीं। ये मेरी गाड़ी वाला तो गर्म हो गया होगा एकदम, बेचारा टॉबी। गाइस मेरे घर से देखो चांद मामा दिखते हैं, आई मीन सूरज मामा, सॉरी, मेरे घर से दिखते हैं थोड़ा बहुत। मम्मा ने बनाया मैगी, खीर, फिर मैगी, फिर दाल बोड़ी, और लोग सुबह सुबह मुंह चला रहे हैं अपना। गाइस मैं भी खाने जा रही हूँ और खाने के बाद मिलते हैं आपसे अब। सो फैमिली तैयार होकर जा रही हूँ। रुक जाओ बंद कर दे।
सो फैमिली तैयार होकर जा रही हूँ पढ़ाने, 5 बज रहे हैं और 5 बजे ही मेरी कोचिंग का टाइम होता है। सो पढ़ा कर आऊँगी, फिर मिलते हैं। कैसी लग रही है फैमिली? बहुत सिंपल ही जाते हो पढ़ाने, कुछ भी नहीं, ऐसे बाल एक्चुअली करके कोई शॉर्ट उठा लेती हूँ, पहन लेती हूँ, और ये जीन्स टोटली ये टीचर चैलिंग कैन नॉट बी योर फेव। सो मैं आ गई हूँ बाहर और हेलमेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हेलमेट लगा के चलो। फिर एक्सीडेंट हुआ था और मुझे बताया हेलमेट में था, मुझे इतनी जोर की लगी थी सर पे कि मेरे हेलमेट में से तड़ाक की आवाज़ आई थी। अगर हेलमेट नहीं होता तो मेरा सर तरबूजे की तरह फूट गया होता। मैं अभी पढ़ाने और अब आपसे मिलूँगा कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद। मुझे इसके पेरेंट्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, घर पे ताला लगा हुआ है, वो मुझसे कहते बाहर वेट करिए। पहले ऐसी हालत थी कि मेरे पास काम नहीं था, अब मेरे पास इतना काम है कि मैं सोचती हूँ कि मैं खाली कब रहूंगी। इट्स वर्क एंड आई एम गुड। बीच में खाली थी तो बहुत डिप्रेशन ओवर थिंकिंग सब में चली गई थी, अब थोड़ा बिजी हूँ तो सही है लाइफ। मैं एक नई नमकीन आई है कैंटीन से, ये भी चाय मेरे को चलता फिरता कंटेंट समझ के रखी है मेरी मम्मी, जो दिखता कहती है ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे। वो मैंने वो ग्लास मैंने वहां इसलिए रखा है क्योंकि टेबल नहीं है मेरे पास। टेबल कौन लाएगा? इतना जाती हूं तो मुझे अपने बेड पर रखने के लिए एक टेबल चाहिए ताकि मैं उस पर सामान रख सकूं। तो कौन लाएगा? इतना जाती हूं बाहर, लाना चाहिए ना। पैसे दो, पैसे हनी मनी हनी नहीं। हां कब अभी गाइस मुझे 1 रुपया नहीं मिलता है घर से। ये कसम से ऐसा लग रहा है ना जैसे टेबल पर का फटा हुआ कपड़ा, टेबल पर नहीं बिछाते टेबल क्लोथ, टेबल क्लॉथ। ये ब्लाउज तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। ये कौन है वो? खुद आप देखिए कैसी लग रही है वो, वीडियो में तो और गंदी लग रही है। अरे गंदी तो छोड़ दो, ऐसे तो लगा था हमके काट ही देंगे। घोड़ा था वो, बहुत बेकार है। अरे सोनी घोड़ा था वो, फ्लिपकार्ट वाले ऐसे देते। बहुत ही तबाह साड़ी है, बहुत गंदी लग रही है। छी। मैं आई थी छत पे चांद कैप्चर करने के लिए, इतना सुंदर इतना प्यारा लग रहा है चांद, मतलब आधा चांद जो ईद का चांद है आज वो रहा चांद। फैमिली मैं देखो उसी चांद की बात कर रही थी, ये रहा चांद वो रहा तारा, आप लोग को दिख रहा है? तो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मुबारक, चांद मुबारक आप लोग को, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल ऐसे सामने से देखने में, तो और ज़्यादा नेचर इज़ ब्यूटीफुल। मम्मी का कमर दर्द हो रहा है, मैं कह रही हूँ दबा दूंगी। अबे पंखा बंद कर यार, 3 बजे से एक तो मुझे फीवर हो गया ऊपर से। आ मम्मी मैं सच में कसम से बता रही हूँ, ऐसा करूँगी दोबारा तुमको जिंदगी में दर्द ही नहीं होगा कभी, खत्म हो जाएगी कमर ही तुम्हारी, अरे कसम से। अरे अपनी बेटी ज्यादा भरोसा है क्या दूसरे पे? तुम आओ ना, तुम आओ मैं चढ़ जाऊँ तुम्हारी कमर पे, अरे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊँ दर्द ही उड़ जाएगा। मैं डेली रात में चाय का नशा करके सोती हूँ, ला मैं दबा दो, सच्ची मजाक नहीं। मैं तबीयत थोड़ी खराब लग रही है तो मैं जा रही हूँ चाय पी के सोने, और आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। सो ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत सारा प्यार देना, मैंने बहुत दिनों बाद लास्ट में बोला है ब्लॉग में, मैंने तो मैं खत्म लिख देती थी। सो प्लीज़।